हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेंसिल बनाने सिखाऊंगी कि आप किस तरीके से इजीली घर में 10 रुपये की कॉस्ट से आप स्टेंसिल बना सकते हो। मैंने अमेज़ोन पे देखा तो वहाँ पे कम से कम मुझे 200 से 300 के अंदर ये वाले स्टेंसिल मिल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अब घर में ही बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रिंट आउट निकाल लिए हैं, जो तो डिज़ाइन के मैंने यहाँ पे स्टेंसिल बनाने हैं वो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे प्रिंट निकाल लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, जो भी प्रिंट अपन ने निकाला है उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हटा रही हूँ, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारे कोई काम नहीं आएगा। तो अगर आप बड़ा स्टेंसिल बनाना चाहते हो तो आप पूरी A4 साइज़ के ऊपर पूरा प्रिंट निकाल सकते हो। और जो मैं यहाँ पर जो थिकनेस वाला जो कंप्यूटर फाइल आती है उसके ऊपर का जो कवर आता है प्लास्टिक वाला, वो यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो ये मुझे अराउंड एक पेपर 5 रुपये का पड़ा है और मैंने यहाँ पे ये 4 पेपर लिए हैं। तो आप इस तरीके से कम कॉस्ट में ये वाले स्टेंसिल बना के तैयार कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रिक वॉल वाला आपको स्टेंसिल बना के बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्लास्टिक का मेजरमेंट लेके वो फाइल वाले का तो आपको कट कर लेना है जो भी आपका प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर ये शार्प नाइफ लेके, और इस ये ध्यान रखें कि ये शार्प होना चाहिए। और इसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी हम जैसे कि शार्प नहीं लेते हैं तो ये कटआउट अच्छे से निकल के नहीं आता, फिनिशिंग नहीं आती है इसके अंदर। तो ध्यान रखें कि ये शार्प ही लें और धीरे धीरे जो भी डिज़ाइन है उसके ऊपर धीरे धीरे अपने हाथ का मूवमेंट करें। और जिस तरीके से डिज़ाइन है, जैसे वहाँ पर गोल आ रहा है तो अपने हाथ को थोड़ा सा राउंड की तरफ घुमाएँ। तो इस तरीके से आपका ये स्टेंसिल बन के तैयार हो जाएगा। धीरे धीरे ये वाली प्रैक्टिस करें और जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि प्लास्टिक की फाइल पूरी कट भी सकती है और पूरा स्टेंसिल बन के ख़राब हो सकता है। तो इसे आप बिल्कुल सावधानी से करें, जल्दीबाजी में बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप जल्दीबाजी करेंगे क्योंकि ये शार्प नाइफ है तो इससे आपकी उंगलियाँ भी कट सकती हैं। तो इसे आप बिल्कुल आराम से करें और धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप करें। तो इस तरीके से मैं आपको धीरे से बता रही हूँ कि मुझे भी इतना ही टाइम लगा था इसे बनाने में, बिल्कुल धीरे धीरे बनाया है मैंने ये। कम से कम मुझे 30 मिनट लगे हैं इस एक स्टेंसिल बनाने में। तो आप इस तरीके से धीरे धीरे इसको बनाएं और जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में क्या होता है कि बहुत जल्दी दिखाते हैं, तो कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि इतनी जल्दी जल्दी उनका हाथ चला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इतनी जल्दी किसी का भी हाथ नहीं चलता है। तो आप हमेशा धीरे धीरे काम को करना पसंद करें। और इस तरीके से मैंने ये वाला पार्ट निकाल लिया है, तो इसको निकाल के अलग कर लेंगे। अगर आपका नीचे वाला पेपर अलग नहीं हो रहा है तो उसको अलग करने का कोई ज़रूरी नहीं है, आपको ऊपर प्लास्टिक वाला पार्ट है उसे ही अलग करना है। तो इसे मैंने आगे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, तो इस तरीके से आप इसको देखें और इन्जॉय करें। और आगे समझाने वाला मुझे कुछ भी नहीं लगा, तो आप अच्छे से वीडियो को इन्जॉय करें। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस स्टेंसिल को किस तरीके से यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है और उसके ऊपर इस स्टेंसिल को रख के, और यहाँ पर मैंने जो इट्सी बिट्सी का जो पेस्ट आता है उसको यहाँ पर लगाया है। तो इसकी जगह आप वॉल पुट्टी का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इवनली पूरे सरफेस पर लगाने के बाद में स्मूथ कर लेना है ऊपर वाले पार्ट को अच्छी तरीके से। और उसके बाद में आपको एक तरफ का कोना पकड़ के धीरे से, आपको जिस तरीके में मैं वीडियो में बता रही हूँ उस तरीके से आपको धीरे से इसे उठा लेना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट जो वॉल पुट्टी वाला लग गया है डो का, उसे आप इस तरीके से रिमूव कर लेंगे और उसके बाद में आपका ये स्टेंसिल बनके तैयार हो गया है। तो इस तरीके से मैंने सेकंड डिज़ाइन ये बनाई है और मैंने दो और डिज़ाइन बनाई है उसके कटआउट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एक ये वाली फर्स्ट डिज़ाइन है, सेकेंड जो मैंने आपको बताया है जिसके मैंने डिज़ाइन आपको दिखाई है वो है। तो इस तरीके से आप ये स्टेंसिल बना सकते हैं।